नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी हेडिंग से ही आप अपने यूट्यूब के थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि इसमें हम किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पहली बात मैं ये कन्फर्म कर दूँ कि 2018 वालों के लिए मैं ऐसा इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा पोस्ट आपको फर्स्ट नंबर पर रखना है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच करके यहाँ पर अगर आए हो तो प्लीज़ आप वीडियो का स्किप करके दूसरे कोई काम कर लो, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाली। दूसरी बात, ये वीडियो उन सभी के लिए है कि जो कि ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम इस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे या इस पोस्ट को लास्ट प्रेफरेंस देंगे तो कट ऑफ ज़्यादा या कम जाएगी तो हमें वो पोस्ट मिलने की संभावना होती है, ठीक है। ये जो भ्रम रखते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। और 2017 मैंने इसलिए टाइटल में लिख रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरा अगर कम मार्क्स है और मैंने सबसे फर्स्ट चॉइस पे वैसे पोस्ट को रखा है जिसके बारे में लग रहा है कि ये हाई कट ऑफ जाएगी तो उन्हें पोस्ट मिलने की संभावना शायद ना रहे, ऐसा जिन जिन लोगों के लिए भी मन में डॉट है उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात लोअर स्कोरर्स एंड हायर स्कोरर्स की हम पहले कर लेते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करने के समय पे आप सभी को ये नहीं देखना है कि आप लोअर स्कोर कर रखे हो या तो फिर आपने हाई स्कोर कर रखा है। आपको बस इतना ही चीज़ देखना है कि आपको कौन से पोस्ट में इंटरेस्ट है, आपको कौन से पोस्ट में जाना है, आपको कौन से पोस्ट में आपका दिल लगेगा, काम करने में अच्छा रहेगा, कौन सा पोस्ट आपका होम स्टेट दिला सकता है अगर आप रहना चाहो होम स्टेट में तो, या कौन सा पोस्ट आपको सबसे फास्ट प्रमोशन देगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब बस इतना ही होता है, ठीक है। आपको जो पैरामीटर्स आपको अच्छे लगते हो उसके बेसिस पे आप पोस्ट वाइज आप प्रेफरेंस देते हो। वहाँ पे फर्स्ट नंबर पोस्ट लिखा होता है, सेकंड नंबर, सभी वहाँ पे बॉक्सेस बने हुए होते हैं और वहाँ पर जो है आपको फिल करना होता है। और ये पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एसएससी के साइट पे और एसएससी के रीजनल साइट्स पे भी डाले जाएंगे। तो अभी से आप खोजने की कोशिश मत करना, 2018 वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से आप खोजने की कोशिश मत कहीं करना, आप सभी को उसी टाइम पर जो है ये फॉर्म जो है देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम पोस्ट प्रेफरेंस, हाउ टू फिल पोस्ट प्रेफरेंस, तो मैंने इसका रिस्पॉन्स आप सभी को दे दिया, रिप्लाई आप सभी को दे दिया है कि आपको जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आप फिल करोगे वो प्योरली आपके अपने चॉइस पे होगा कि आपको प्रमोशन चाहिए, किस में ज़्यादा प्रमोशन है, आपके होम स्टेट चाहिए तो किस में आपको होम स्टेट मिल सकता है, इन सभी बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको अलॉट कैसे की जाती है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप सभी को पोस्ट अलॉट होता है। हम दो कैंडिडेट से सबसे पहले हम देखते हैं, बाय द वे पहले का मार्क्स, पहले वाले का मार्क्स 205 है और दूसरे वाले का ही मार्क्स 205 है, ठीक है। और अब पोस्ट जो है एक मिनट, ऊपर वाले ने पोस्ट जो है फिल कर रखा है, मैं बता रहा हूँ उनका सीक्वेंस, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। और दूसरे वाले ने भी फिल कर रखा है इसका डायरेक्ट उल्टा, मतलब समझ के चलो आप जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। और मैं यहाँ पे सबसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जी नंबर का पोस्ट जो है सबसे लो कट ऑफ वाली पोस्ट है, ओके। और कट ऑफ जी नंबर की जो गई हुई है, जी नंबर का पहले करेंगे, ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी डी ई एफ, इन सभी की कट ऑफ जो है 205 के ऊपर चली गई है, ठीक है, 205 की ऊपर चली गई है सभी पोस्ट की, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अगर 205 के ऊपर चली गई, मान लेते हैं 206 पे चली किसी की, 207 पे किसी का चला गया है, ठीक, किसी का 208 पे और ब्ला 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 ब्ला, मतलब इस तरह से आपका बढ़ता चला गया है। लेकिन जी नंबर का पोस्ट पे जो है कट ऑफ आप सभी का, यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है जी नंबर का पोस्ट का अगर हम बात कर लेते हैं और यहाँ पे कट ऑफ जो है 205 नंबर चली गई है, ठीक है। तो एक कॉमन सा एक मिस्टेक, मतलब मिस्टेक नहीं, इसे हम भ्रम बोल सकते हैं कि कैंडिडेट्स के माइंड में ये चीज़ जा चुका है कि अगर आपका कम मार्क्स है, अगर आपके पास कम मार्क्स के लिए क्वालिफिकेशन है और अगर आपको कम मार्क्स वाले पोस्ट आपको मिलने चाहिए तो आप जो है उसे पहला प्रेफरेंस पर रखो। यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया, सेकंड वाले बंदे ने
सबसे कम मार्क्स वाले, उसे पता था कि सबसे कम मार्क्स उसके हैं और उसने जो है जी नंबर पोस्ट को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जी मार्क्स वाले को इसने जो है प्रमोशंस, होम पोस्टिंग वगैरह देख करके पहले वाले ने इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा है। तो एक डॉट है क्या सबके मन में कि 205 कट ऑफ अगर गई हुई है तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर वाले बंदे को ही मिलेगी, जो कि ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर वैकेंसीज अगर है तो ये पोस्ट जो है इन दोनों को मिलेगी, वरना इन दोनों के एज देखा जाएगा, इन दोनों के क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस किस बेसिस पे भरा हुआ है ये कभी नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में आप याद कर लो, नोट कर लो कहीं ना कहीं, कि आप सभी को जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आगे चल के फिल करना है वो जो है सोलली आपका प्रमोशन पे, आपका होम पोस्टिंग पे, आपका जो भी आपका बेसिस है उस बेसिस पे आप भरेंगे। इस मिसकंसेप्शन के पीछे भागकर नहीं भरना है कि हमें लो पोस्ट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अब मैं एक सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, किसी एक बंदे को मैं एग्जांपल मान करके कि उसे जो है पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं पूरे पूरे इरेज पहले कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है अब लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी बंदे ने बस यहाँ पे एक का बस एग्जांपल बस लेंगे, उसने जो है उसके मार्क्स आए हैं 205 नंबर, ठीक है, और उसने पोस्ट का जो प्रेफरेंस भर रखा है ए बी सी डी ई एफ जी, कट ऑफ जो है हाई कट ऑफ 215 कुछ भी मान लो आप, और 215 से लेकर के 205 तक गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हर किसी का पहला नंबर चॉइस देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो हाई कट ऑफ में चला जाता है। जैसे कि पहले नंबर पे अगर किसी ने ए भर रखा है और हर किसी ने ए भर रखा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ए भर रखा है, वैकेंसीज कम है, तो सबसे पहले उस बंदे को मिलेगा जो कि ए पोस्ट भर रखा है, उसने 215 नंबर लेकर के आया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात जो कि अब बात करते हैं, इस बंदे का 205 नंबर है, बी पोस्ट देखा जाएगा इसमें भी ये सक्षम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है 210 के आसपास में कट ऑफ गई हुई है, तो इसे ये भी पोस्ट नहीं मिलेगा, फिर ये भी नहीं। मान के चलते हैं जी नंबर पोस्ट पे 205 नंबर गया हुआ है तो उसे इस बंदे को ही मिलेगा, और जिसने पहले चॉइस पे भी भर रखा है उसे ही मिलेगा। जो जो लोग 205 नंबर लेकर के आए हैं और जिनका उसके पहले वाले पोस्ट तक नहीं मिल पाया किसी पोस्ट को, तो जो भी 205 नंबर लेकर के आया है उसके जितने नंबर पे भी वो जी नंबर पोस्ट है तो वो आपका आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी के मन में एक भ्रम जो था कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है भरने का एक अलग तरीका होता है लोअर स्कोरर्स और हाई स्कोरर्स के लिए, ये मिसकंसेप्शन जो है दूर हुआ होगा, ठीक है। तो आशा करूँगा कि इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी बेनिफिट पहुँचे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले इरेज पहले कर लेता हूँ, इरेज ऑल। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ एक बात कर लेता हूँ। इस चैनल पे आप सभी के लिए टाइपिंग की क्लासेस लगाई जा रही है, आशा करता हूँ कि वो सभी टाइपिंग क्लासेस आप सभी देखते होंगे। टाइपिंग क्लास इंग्लिश करके एक चैनल बनी हुई है, उसमें मैंने कीबोर्ड के भी बारे में बता रखा है, कौन सा कीबोर्ड बेस्ट है आपके लिए लेना, कौन सा कीबोर्ड आपके रीजन में उपलब्ध है वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। दूसरी बात कि आप सभी के लिए डॉट सेशन इस चैनल पर चलाया जा रहा है, आप सभी जितने भी सारे डॉट्स पूछते हो उसका मैं वीडियो फॉर्म में कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई देने का, और क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई एक बंदा अगर कोई पूछ कोई रहा है तो तकरीबन 50-100 लोग तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उतने लोगों तक ये डॉट होती ही होती हैं, क्योंकि एक ही कमेंट जो है बार बार देखने को मिलता है। और कुछ दिन पहले तक आप सभी काफ़ी सारे डॉट्स पूछे भी थे और उसके रिलेटेड जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है SSC CHSL 2018 करके, वहाँ पर जितने भी सारे वीडियोज़ हैं जो भी आपके डॉट रिलेटेड थे, CHSL 2018 रिलेटेड कट ऑफ्स की वीडियो थी, प्रेडिक्शन वीडियोस के रिलेटेड थी, सभी के सभी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप एक बार उन सभी प्लेलिस्ट को देखो तो सही, ठीक है, आप सभी के जितने भी सारे डॉट्स होंगे वहाँ से आप सभी के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो सभी को पसंद पड़ा होगा, तो प्लीज़ इसे जितना भी हो सके आप उन सभी दोस्तों से शेयर कीजिए जिन जिन लोगों ने 2018 CHSL का टायर सेकंड जो है दे रखा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी मौका मिलेगा टाइपिंग देने के लिए इन द फ्यूचर, तो उन्हें बहुत सारे डॉट्स होंगे और आप
को अगर इस चीज़ का भी डाउट हो कि टाइपिंग की स्पीड किस तरीके से इंप्रूव की जाए, तो टाइपिंग क्लास इंग्लिश करके जो प्लेलिस्ट है और एसएससी सीएचएसएल 2018 के लिए जो की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्पीड नहीं है तो स्पीड कैसे इंक्रीज़ की जाए उसके रिलेटेड वहाँ पर वीडियो है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा। तो आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलता हूँ मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।